अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टॉकिंग। ठाकुर समुदाय में जिनके 24 गांव एक साथ लगे हुए हैं, उन्होंने भाजपा का विरोध शुरू कर दिया है। लगातार महापंचायत हो रही हैं और उन्हीं महापंचायत के दौरान अपने आप को प्रत्याशी को जिताने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतरना पड़ा। आज राधना गांव में उन्होंने पंचायत की और पंचायत में यही मैसेज देने की कोशिश की कि भाजपा के पक्ष में आप सभी को मतदान करना है। यह कितना इत्तेफाक रखेगा उनकी बात से, क्योंकि तमाम लोगों का ये कहना है कि उनकी योगी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो स्थानीय प्रत्याशी संजीव बालियान वह उसका विरोध कर रहे हैं। सभा के बाद यहाँ बड़ी संख्या में युवाओं ने लगातार संजीव बालियान के विरोध में नारेबाजी की और बताया कि वह संजीव बालियान को सुबह 11 बजे तक ही घर भेज देंगे। यहीं पर दूसरे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहा जा सकता है संगीत सोम भी मौजूद थे। संगीत सोम से जब पूछा गया कि इस विरोध का क्या कारण है जो संजीव बालियान का लोग विरोध कर रहे हैं, संगीत सोम ने कहा इसका जवाब संजीव बालियान ही दे सकते हैं। क्षेत्रीय लोगों का ये कहना है कि उनका कार्यकाल 2 साल का रहा है, लेकिन एक बार भी उन्होंने आकर के इस क्षेत्र की समस्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आइए आपको दिखाते हैं। पिछली बार जीते हमने, जीता के भेजे यहाँ से, यानी वहाँ से तो हारते आ रहे थे, हमने ना 24 ने जिताए थे। हमें किसी और मना बना दिए ना, कमल का खून हमारी भूल पिछली बार, अब की बार इलाज कर देंगे, अब की बार इंतजाम कर देंगे। संजीव बालियान ने अपने लड़के गंजे करवा के भर्ती करवाए राजपूतों का ही नंबर लिया। 24 के 10 लड़के भर्ती नहीं हुए, सारे जो 8 हुए सग्नीवीर में, सारे तो 8-10 लड़कों ने फंसी खाली कब साठ में क्या गाँव ने मर लिए हुए, पर इनके अपने लड़के भर्ती हुए। हमें चाहे हमारे पास कोई वोट नहीं। संजीव बालियान का पूरा विरोध है। बालियान कौन है, हमारा बना हुआ नेता है वो, सरधना विधानसभा में 27 गांव ठाकुरों के हैं और इन गांवों में बड़ी संख्या में लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं, कमल का फूल हमारी भूल। ठाकुरों में संजीव बालियान का भारी विरोध और अपनी ही बिरादरी के संगीत सोम का खुला समर्थन, आखिर इसकी वजह क्या है? इस बारे में firstbite.tv को तमाम युवाओं ने खुलकर यह बताया। मैं मुलेड़े से हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा जी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वापस से नाराजगी ये है कि जो हमारे गांव में डांगर है गए कि उसकी हिफाजत नहीं हुई, और रात को जो हम जाते हैं लाठी भाले लेकर जाते हैं, क्या पता वो रात को मारते कहाँ से आ जाए, इस बार वो नाराजगी और हमारे खेत में चक्कर जाने के लिए रास्ता नहीं है जी, हमारे वहाँ से रास्ता नहीं है जाने के लिए चक्कर। बाबा ने एक बार भी उन्होंने पूछा कि क्या है क्या नहीं है, किसने जो अधिकारी है वे भी नहीं करते काम, हमारी ये नाराजगी है। उससे पहले हमने नहीं देखे, और ये नाराजगी ऐसी ही रहेगी। सब ये बाबा जी को देखने आए थे, जो बालियान जी कोई समर्थन करने के लिए नहीं आया था। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध ये है जी, यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ, यहाँ कोई गौशाला नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ डंगर फसल खा गई इन्होंने सबने, यहाँ सिर्फ बालियान जी का विरोध रहेगा बरकरार।
क्या नाम है आपका? अमरजीत। अमरजीत, आज यहाँ पर सभा हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो इसका क्या असर देखा जाएगा ठाकुर समुदाय में? जी, असर तो ये देखा जाएगा, ये संजीव वालियान ने आज तक कोई से गांव में, हमारे गांव में तो आज तक आया ही नहीं है वो, जब से बनाए। और फिर ये वाली बात है, एक अब से 4-5 दिन पहले अमित शाह जी आए थे शाहपुर में, शाहपुर ब्लॉक में आके उन्होंने ये कहा था मैं जाट लैंड में आ रहा हूँ, मुझे जाटों की वोटों से जीतना है, तो जाट वोट दे देंगे फिर, राजपूतों की रहन दो। आप राजपूत हैं? हाँ जी। तो आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे? भाजपा को जी इस उस पे नहीं करने के जी, संजीव वालियान है, पहली बात तो ये है वो 24 घंटे जी जट्टों के गुण गाता है, आज तक उनने 24 में एक काम ऐसा नहीं करा। अब एक स्टेडियम आया था वो शाहपुर में दिया आया, शाहपुर में बताओ कौन जा रहा है जी? ये इसमें वो नहीं दे रहे टिकट, नहीं दिया उन्होंने राजपूतों को एक भी। कहाँ पर? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। एक दिया तो है। किसको दिया? एक दिया है, 27 सीटों में से एक, 27 में से एक मिल रहा जी। यार जट्टों को देख लो बिजनौर में मिल रहा है। हाँ बिजनौर में है, बस बिजनौर में है ना। तो एक काफी नहीं है, खर्ची हारी हुई सीट दे रखी जी, उसमें क्या है? तो हार जाएंगे आज, हरियाणा के जट्टों को जाकर वहाँ से इन्होंने संजीव बालियान ने वो करा था, तो उन्होंने कहा यूपी में तो किसान जाट ही है और तो सब रहा है। किसने कहा? संजीव बालियान ने, केवल जाट ही किसान होते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आनंद कुशवाहा, मैं मंडावली खद्दर से रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं, मतलब किसको वोट करेंगे? वोट देंगे हम योगी को। योगी को, योगी को वोट दोगे तो कैसे संजीव बालियान? नहीं, संजीव को नोटा दबा देंगे। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? राडानगर। क्या है आपके विरोध का कारण? सर, जो ये भर्ती हुई थी मुजफ्फरनगर में जी, इसमें भी कहा था तो इसे इन्होंने एक पक्ष में ही जाट, इसकी भर्ती थी आर्मी की, अग्निवीर की। okay. उसमें जाट जो थे, जाट उसी के एरिया के, गोयले के और मुजफ्फरनगर के, उस क्षेत्र के सब जाट ही भर्ती हुए थे, कोई ठाकुर कोई मतलब और कास्ट नहीं भर्ती हुई। उन्हें कोडवर्ड था, बालियान जी ने जो बोला था उन्हें कि इस तरीके के कपड़े पहन के आना, ये आना, गंजा होना, तो इस वजह से हम उनके विरुद्ध है। टाइमिंग और उनकी भर्ती जो हुई थी उनके विरुद्ध हुई थी सारी। आपको क्या लगता है कितने लोगों की भर्ती इन कोडवर्डों के चलते हो गई थी? काफी लोग थे, 80 जाट थे जी, 80 जाट, 16 जाट है गांव में समय सर, गोयला में 16 लोग, 16 जाट पूरे, और इस 24 में कोई नहीं हुआ, कोई भी अदर कास्ट भी कोई नहीं, ठाकुर भी नहीं हुआ और अदर कास्ट कोई भी नहीं, कोई कास्ट 24 में है, टोटल जाट ही जाट थे। उस भर्ती में हम भी थे, आप लोग भी गए थे जी, आप भी गए थे लास्ट भर्ती मेरी सर, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर संगीत सोम को टिकट मिल जाता तो पूरी सपोर्ट है जी। अब दिवा दो, अब हम खुल गए, जाट विरोध करेंगे, करने दो ना। 24 से ठाकुर होगी जी, 24 से ज्यादा के लिए। कितने लोग हैं, कितने मतदाता हैं इसमें 24 में? 10,000 तो जी गांव से पूरा, 10,000 एक गांव से है जी, 10,500 का पोलिंग एक गांव से, 22,000 है जी, तो दो ही जीता था, पूरी 24 से जीत जाएंगे जी, 24। इधर कोई क्षेत्र में का उसका कार्य नहीं हुआ, सड़कें देख लो, ठीक है जी, कोई सुविधा नहीं है ना, कोई बम्बे पम्बे पे कोई कार्य नहीं है, कोई भी किसी तरीके का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सोम है जी। कहाँ के रहने वाले? मेरे सरदराधन है, राधना के जी। तो इस वजह से आप इनका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, विरोध इस तरह से हो रहा है सर, यहाँ पे इधर बंदा कोई भी सब मेहनत करते हैं और जो मेहनत करके निराश हो जाता है उसके जी पे कितना बीतता है बताओ आप? आपका ही बच्चा रात दिन मेहनत करता है और उसमें सिलेक्शन ना हो तो कितना जोर पड़ेगा आपके बच्चे में? संजीव बालियान ने थोड़ी ना उसका वो करवाया, सब तरीका ऐसा है, इधर से उधर इतने बंदे क्यों हुए हैं, भारत में तो सब जगह भर्ती होती है। बालियान का हराने का जीत हुआ है बस, और कुछ नहीं, तो संगीत सोम को टिकट देना चाहिए था। हाँ जी, संगीत सोम नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं अभी चल रही है बातें। विधायकी में क्यों हार गए थे वो? देखो ये तो पल्ले वाले की मेहर है, पता नहीं कैसे हो जाता है। फिर भी भाई जब ठाकुर चौक जब विधायक में वो इतने मजबूत थे तो हार गए, मतलब बालियान ने धोखा दे देता हूँ, जाटों से वोट कह देते वो इसे वोट ना दियो। अच्छा, सही बात, मतलब जाटों के वोट संगीत सोम को नहीं मिले थे? अच्छा, यो कारण था। अच्छा, तो मतलब ये कितने जाट के वोट कितने हैं यहाँ पे?
भाई 10,000 से जीत हार हुई थी तो जाट ने अगर माइनस किया क्या कितने कौन कौन लोगों ने वोट नहीं दिया साई ठाकुर संगीत सोम को? जाटों ने नहीं दिया वोट, तो आप लोग बदला ले रहे हैं मतलब? बदला क्या लेंगे? देखो उसमें ऐसा हो गया जैसे कि मतलब हमारे संगीत सोम को हराया उधर से, अच्छा, और इधर से हम हराना चाहेंगे अब। अच्छा, बालियान को धरना रख रहे हैं, हार के चला था इंडिया से जीतते थे, अब क्या इंडिया से हरा, इसलिए हम भी अब चौकस हो चुके हैं, मजबूती आ गई हमारे में, फिर हम भी देखना चाहते थे कभी बुलाना चाहते हैं। अरे एक बात और कह रहा था उनने, जट्टू चाह तो जट्टू से वोट ले लेगा। यहाँ यह भी बताया जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से केवल एक ही सीट पर भाजपा ने ठाकुर बिरादरी के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। गाजियाबाद से अपेक्षा थी कि वीके सिंह का टिकट फाइनल हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय में अतुल गर्ग को वहां से टिकट दे दिया गया। यहां से सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी लगातार डिमांड कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको भी यहां से टिकट मिल जाए मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से, लेकिन उनकी जगह उनकी कोशिश विफल रही और उनकी जगह अरुण गोविल को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतार दिया। इस तरह से ठाकुर समुदाय ठाकुर बिरादरी को केवल एक ही सीट मिल पाई प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ने के लिए, और इसी ठाकुर बिरादरी चौबीसी ठाकुर भी उनका कंटिन्यूस लगातार विरोध कर रही है। अभी केवल एक महापंचायत हुई है और अभी 13 और 16 तारीख को दूसरी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें वह एक सीधा सीधा मैसेज देंगे, और उन्होंने अभी भी यही कहा है कि भाजपा को जो भी प्रत्याशी हरा सकता है उसके पक्ष में मतदान करना है, और इसको रोकने के लिए ही आज योगी को राधना गाँव में, जो कि सरधना विधानसभा क्षेत्र के में आता है और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत है, वहाँ योगी आदित्यनाथ को सभा करनी पड़ी।